नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद को यूपीएसटीएफ की टीम साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। टीम अतीक को लेकर साबरमती से बाई रोड यूपी के लिए रवाना हुई है। इस बीच बार बार इस सवाल उठ रहे हैं कि क्या गैंगस्टर विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की गाड़ी भी पलटने वाली है। अब अतीक की गाड़ी पलटेगी या नहीं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने इसका जवाब दिया है। डीजीपी चौहान ने कहा है कि यूपी पुलिस के पास एक मॉडर्न फ्लीट है, हमारी गाड़ियां नहीं पलटती, केवल अपराधी पलटता है। उन्होंने कहा, अदालत के आदेश का पालन करने के लिए पुलिस गुजरात से अतीक अहमद को यूपी लेने गई है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जेलों के भीतर बंद अपराधियों को जब लगता है कि उनका खेल खत्म हो गया है तो वो डरने लगते हैं। माफिया अतीक अहमद के बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने कहा, हमारे रिकॉर्ड में अपराधी का एक गैंग होता है और उसका पंजीकरण होता है। हम अपराधी को अपराधी के तौर पर देखते हैं, हमारे लिए वो बस एक गैंग का प्रमुख है। यूपी पुलिस जब चाहे जिसे चाहे अरेस्ट कर सकती है, कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती है। किसको कब और कैसे गिरफ्तार करना है वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। यूपी के डीजीपी चौहान ने आगे कहा, जेल में बनने वाले कई षड्यंत्र हम विफल कर देते हैं और कई बार हम उन्हें जाहिर नहीं करते। वही एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने आगे कहा, पुलिस के ऊपर अगर कोई गोली चलाएगा तो हमारी ट्रेनिंग है कि गोली का जवाब हम गोली से ही दें। डीजीपी डीएस चौहान ने कहा कि यूपी पुलिस की नींव मजबूत है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री को पहले ही बता दिया होगा कि माफिया अतीक अहमद की गाड़ी कहां पलटेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप गूगल और अमेरिका की मदद लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कार कहां पलटी थी। बता दें कि गुजरात जेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने चिट्ठी लिखी थी, इसके आधार पर ही अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। इस चिट्ठी में न्यायाधीश ने अतीक को कोर्ट में पेश के लिए साबरमती जेल को जरूरी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसमें कोई त्रुटि ना हो। इस बीच गुजरात के साबरमती जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद का पहला बयान सामने आया, जिसमें अतीक ने कहा कि ये लोग कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारना चाह रहे हैं। यूपी भेजने से पहले जेल में अतीक अहमद का मेडिकल हुआ और जेल ट्रांसफर के जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसमें करीब 7 घंटे का समय लगा और शाम करीब 5:44 पर अतीक को लेकर यूपी पुलिस रवाना हुई। इससे पहले शुक्रवार रात को गुजरात की जेलों में करीब 1700 पुलिस कर्मियों और अफसरों ने अचानक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इनमें से सबसे खास बात यह रही कि जिस जेल में अतीक अहमद बंद था वहां पर भी ये सर्च ऑपरेशन चला था, जहां से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं यूपी में पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार चल रहे आरोपी और अतीक अहमद का शार्प शूटर अब्दुल कवी पर अब पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। सीबीआई, एसटीएफ और पुलिस 18 साल से उसकी गिरफ्तारी में लगी हुई है। 24 फरवरी को मेजपाल हत्याकांड के बाद पुलिस फिर से सक्रिय हो गई। अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पहले उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। खैर, अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाने में कम से कम 7 घंटे तक का वक्त लग सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो काफिला है अतीक अहमद को लाने के लिए, जो भी काफिले गए हैं, वो सही सलामत सुरक्षित वापस लौटें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।